कभी कभी आपने फेस किया होगा कि जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो हमारा फोटोशॉप ओपन नहीं होता है और हमें कुछ इस प्रकार का एक एरर मैसेज देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से हम हमारे फोटोशॉप को ओपन नहीं कर पाते हैं। और किसी प्रकार फोटोशॉप ओपन हो भी जाता है तो हमारे फोटोज और इमेजेस जेपीजी फॉर्मेट में सेव नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस प्रकार के प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम विंडोज में जाएंगे। यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमारे सिस्टम में जितने भी एंटीवायरस हैं हम इन्हें यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देंगे। ज़्यादातर कंप्यूटर में SA एक एंटीवायरस होता है तो उसे हम अनइंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर S दबाएंगे। यहाँ पर SA एंटीवायरस रियल टाइम प्रोटेक्शन लाइट एक एंटीवायरस है, हम इसे अनइंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम माउस से राइट क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम रिमूव प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे। ये कुछ समय लेगा, इसे होने दीजिए। अभी ये कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो चुका है। अब हम विंडोज में जाकर के फिर से चेक करेंगे कि हमारा एंटीवायरस अनइंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। इसके लिए हम विंडोज में जाएंगे। यहाँ पर फिर से कंट्रोल पैनल में जाएंगे। यहाँ पर प्रोग्राम्स में जाएंगे। यहाँ प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे। देखिए हमारा यहाँ पर एंटीवायरस अनइंस्टॉल हो चुका है, वो यहाँ पर नहीं है। अब हम इसे कैंसिल करेंगे और फोटोशॉप ओपन करके देखते हैं ये फोटोशॉप खुलता है या नहीं। ये देखिए हमारा यहाँ पर फोटोशॉप ओपन हो गया है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का फोटोशॉप में एरर नहीं बता रहा है। हम इसे फिर से क्रॉस करके और फिर से देखते हैं। ये देखिए हमारा फिर से यहाँ पर ये ओपन हो गया है। इसे हम एक दो बार फिर से करके देखते हैं क्या ये सच में सक्सेसफुल है। तो देखिए फिर से हमारा ये ओपन हो गया है और किसी प्रकार का यहाँ पर एरर मैसेज नहीं बता रहा है। इसके अलावा जरूर नहीं आपके पीसी में इसी प्रकार का एंटीवायरस हो, किसी किसी पीसी में इस प्रकार का एंटीवायरस भी हो सकता है। तो यदि आपके पीसी में इस प्रकार का एंटीवायरस है तो आप इसे भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार हमने आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और यदि मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।